पिछले दो दिन से मेरे को प्रश्न पूछने की इच्छा थी पर पता नहीं क्या आज ही क्या डर है कि पूछ नहीं पा रहा था पर आज तो जैसा वाक्य हुआ उससे आज का प्रश्न थोड़ा वैलिड भी हो सकता है मैं होटल से निकल रहा था चेकआउट करके यहाँ से छः किलोमीटर दूर होगा तो रास्ते में मैंने देखा मेरे सामने एक गधा पशु था तो वो चल रहा वो चलने की कोशिश कर फिर गिर जाए वो गिरे मुँह के बल्ब तो मुझसे ये देख कर रहा नहीं है फिर उसकी स्थिति देखी थोड़ी देर खड़ा रहा तो फिर उसकी वैसी स्थिति थी फिर उसके बाद में मैंने अनमोल को फ़ोन किया फिर उनसे गाइडेंस मांगी तो वो बोले कि तुम सर्च करो कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट के जो वेटनरी क्लिनिक वगैरह होते हैं उनके बारे में सर्च किया तो उनके नंबर वगैरह अवेलेबल नहीं थे गूगल मैप्स पर एक का था उसका इन्वाइड बता रहा था फिर कोई प्राइवेट वेट है उसको कॉल किया तो उन्होंने बताया कि एस करके कुछ होता है उनका काम ये है तो आप उनको फ़ोन करो उनको फ़ोन किया फिर उधर भी बहुत ये नंबर फिर वो नंबर कर करके फाइनल नंबर मिला फिर उनसे बात हुई वो बोले कि हम इधर उधर हैं टाइम लगेगा थोड़ा फिर बहुत दो घंटा बताया उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की कि आप आ जाइए मुझे नहीं लग रहा है ज़्यादा बचेगा फिर वहाँ पर जब बच्चे आए जो पास में रहने वाले वहाँ पानी वानी मंगवाया मैंने उसके लिए पानी व पिया नहीं तो जो बच्चे आए एक बच्चा था उसने बताया मैंने पूछा कि क्या है तो वो बोले इन, इनका मालिक है उसके पास में दस पंद्रह गधे हैं वो रोज इनको इधर चराने के लिए लेके आता है क्या करता है एक गधे को दूसरे गधे गधे से बांध देता है पैरों को मोटी रोड रहती है लोहे की लोहे की उनसे उनको मारता है और बहुत ज़ोर से मारता है पता था उनको इतना सुबह से लेकर रात तक जो कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है तो उसके अंदर सुबह से लेकर रात तक ऊपर से नीचे सामान उसमें ही करता रहता है और भी उन्होंने बातें बताई कि एक बार तो एक कथा दूसरे तीसरे मंजिल से नीचे गिर गया था उसके बाद में उसका दिखाना दूर। तो दूर थोड़ी देर में उसको काम कराने के लिए लगन गया ये सुन के बहुत दुख हुआ मेरे को उससे ज़्यादा दुख तब हुआ जब गाड़ी आई उसके दो मिनट पहले ही उसने हलचल बंद कर दी थी वो लोग आए तो उन्होंने बता दिया वो तीस मिनट के अंदर आ गई थी गाड़ी वो लोग आए तो उन्होंने बता दिया कि मोर पशुओं से पहले से भी मेरा लगाव रहा है मतलब बहुत सारे पशुओं को मैंने अपने ही सामने जाते हुए दिखाया बंदर को कुत्ते को बहुत सारे पशुओं को मतलब एक गाय थी उसका पैर टूट गया था तो मैं रोज उसके पास में पानी खाना पहुँचाया गया था, था, था तीन चार दिन पिछली दिवाली की बात है और दिवाली के दिन ही उसका देहांत हुआ था पिछली दिवाली का ऐसी था तो ये सब देख के पर फिर इतनी हैरानी भी नहीं हुई क्योंकि पैटा की बहुत सारी वीडियोज़ देखी है तो उसको रियलिटी को देखने के बाद में मतलब अब तो थोड़ा कम हो गया आपको जैसे सुनना कम करता हूँ तो ये सब चीज़ें भी कम हो जाती है पर आपको जब सुनना बहुत ज़्यादा शुरू करता हूँ तो पशु के प्रति बहुत ज़्यादा मतलब पैटा की जब वीडियोज़ वगैरह देखे तो रहा नहीं गया मतलब आंसू रुके ही नहीं तो इतनी एनिमल क्रोवैलिटी आज सामने दिख गया सड़क पर तो पता चल गया कि ऐसा होता है आंखों से दिख गया आँखों से नहीं भी दिख रहा है तो भी हमारे लिए अनुमान करना मुश्किल है कि हमारे जीने के तरीके में ये शामिल है कि पशुओं पर अनिवार्य क्रूरता होगी ही होगी ये तो एक बहुत खुला बहुत स्थूल दृश्य तुम्हारे सामने आ गया संयोग से तो मन को झटका सा लग गया एकदम चौंक गए रहे ये क्या हो रहा है उसमें भी तुम में संवेदनशीलता थी तो तुमने फ़ोन करा एम्बुलेंस बुलाई तो तुम उस चीज़ में थोड़ा गहरे तक शामिल हो गए उसकी वजह से मन पर छाप पड़ी है शायद तुम ही ने रिकॉर्ड करके भेजे होंगे दो वीडियो वो मुझ तक भी पहुंच गए हैं वो मैं देख चुका हूँ सुबह ही आप आ गए थे तो ये तो बहुत खुलासा सा हो गया हुँ? तो हम उसकी चर्चा कर रहे हैं सुबह संयोग से वो घटना नहीं घटी होती तो हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे होते लेकिन तुम चर्चा करो या नहीं करो मैं कह रहा हूँ तुम्हारे लिए ये अनुमान लगाना कल्पना करना भी मुश्किल है कि हम जिसको मानव सभ्यता बोलते हैं वो कितना ज़्यादा आश्रित है पशुओं के शोषण पर हम जिस तरीके से जी रहे हैं जिसको हम अपना विकास बोलते हैं जिसको हम अपना सिविलाइजेशन बोलते हैं वो जैसा अभी है वो चल ही नहीं सकता बिना पशुओं पर क्रूरता करे बात इसकी नहीं है कि सड़क पर एक गधा मर गया तो ये अपने आप में कोई इकलौती या अनायास घटने वाली आइसोलेटेड घटना है ये तो हमारा पशुओं से नाता ही है जो तुमको एक संयोग के चलते आज सड़क पर दिख गया नहीं तो दिखता नहीं है दिखता भी इसलिए नहीं है क्योंकि आवश्यक होता है छुपा के रखना कौन अपने पाप प्रकट करके रखना चाहता है कौन अपनी काली करतूतें जाहिर करके रखना चाहता है तो हम जिसको मानवता कहते हैं ह्यूमन काइंड वो भी प्रकृति और पशुओं के साथ जो बर्ताव और रिश्ता रखे है उसको बिल्कुल छुपाए रहती है ताकि तुम्हें पता न लगे लेकिन मैं कह रहा हूँ हमारी सभ्यता की बुनियाद ही पशुओं और प्रकृति के शोषण पर है मैं ये नहीं कह रहा कि पशुओं का शोषण हमारी सभ्यता का एक हिस्सा है मैं क्या कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ हमारी सभ्यता की बुनियाद है पशुओं का शोषण बुनियाद कहीं ना कहीं ये जो मैं कुर्ता पहने हूँ तुम वो जो टी शर्ट पहने हो इसका बनना मुश्किल हो जाए अगर पशुओं का शोषण ना हो रहा हो इसको बनाने की जो पूरी प्रक्रिया है मैन्युफैक्चरिंग की वैल्यू एडिशन की जो पूरी चेन है उसकी एक एक कड़ी कि अगर तुम छानबीन करो तो तुम्हें दिख जाएगा कि यहाँ यहाँ और यहाँ पर पशुओं का शोषण हो रहा है मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा अगर पता चले कि ये माइक नहीं हो सकता बिना पशुओं के शोषण के कि तुम्हारे अभी यहाँ पर जो बिजली आ रही है ये रोशनी नहीं हो सकती बिना पशुओं प्रकृति के शोषण के कि हम जी नहीं सकते बिना पशुओं के शोषण के वैक्सीन नहीं बनती यहाँ कौन बैठा है जिसका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है और वैक्सीन या कोई भी दवाई बनाने की प्रक्रिया लाखों करोड़ों पशुओं के प्रति कितनी क्रूरता से भरी होती है इसका क्या अंदाज लगाओगे तो ऐसे मत चौंको जैसे आज कोई अनहोनी घट गई ये तुम्हें अभी भी जो दिखाई पड़ रहा है वो मतलब समस्या का जो सबसे कम जटिल और क्रूर हिस्सा है वो देख रहे हो तुम जिसको कहते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग तुम सिर्फ वो देख रहे हो बंदर तो फिर भी मानवता को थोड़े पसंद हैं तो उनकी तादाद बची हुई है बल्कि तुम्हें ऐसा कई बार सुनने में आता होगा एक शहर में बंदर ज़्यादा हो गए तो उनको दूसरे शहर छोड़ा गया ऐसी खबरें भी आती हैं तो बंदरों कुत्तों इन सब के साथ तो सबसे कम शोषण हुआ है हालांकि इनका भी दिल दहलाने वाला शोषण होता है लेकिन समझो बात को बंदर हो कुत्ता हो मुर्गा हो गाय हो इनका सबसे कम शोषण हुआ है इनकी कम से कम प्रजाति तो बची हुई है ना मुर्गे बहुत हैं दुनिया में मैं ये नहीं कह रहा मुर्गों का शोषण नहीं हुआ मैं कह रहा हूं मुर्गों का जबरदस्त शोषण हुआ है लेकिन मुर्गों का वो जबरदस्त शोषण भी बाकी जो प्रजातियों का शोषण हो रहा है उसके मुकाबले एक प्रतिशत है मुर्गों की तुम बात इसलिए कर लेते हो या बंदरों की या गाय की या कुत्ते की या गधे की इसलिए कर लेते हो क्योंकि वो तुमको सड़क पर दिखाई दे जाता है और सड़क पर दिखाई दे गया तो चेतना को धक्का लग गया तो उसकी हम बात कर ले जाते हैं जो असली पाप है वो चोरी छुपे चल रहा है तुम्हें पता भी नहीं चल रहा कितने ही वीडियोज में बार बार कह चुका हूं रोजाना रोजाना प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं दर्जनों की दर से कोई ज्यादा पता लगा के बता सकता है कि शायद रोजाना सैकड़ों की दर से ये बौखला देने वाले आंकड़े हैं मैं किसी एक पशु पर अत्याचार की बात नहीं कर रहा हूं मैं एक पूरी प्रजाति के विलुप्त हो जाने की बात कर रहा हूं और रोजाना दर्जनों प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं हम ऐसे हैं और इसको हम कहते हैं मानवता इंसानियत और हमें बड़ा गुरूर रहता है भीतरी भीतर ही भीतर ये हम इंसान हैं और हम कहते हैं किसी धर्म की ज़रूरत क्या इंसानियत काफ़ी है ना ये है इंसानियत अपनी नज़रों में हम सब अच्छे होते हैं हुँ? हम कहते हैं देखो हम किसी का गला नहीं काट रहे हम कानून कानून का पालन करते हैं लॉ अबाइडिंग सिटीज़न्स हैं वजह सिर्फ एक है वजह यह है कि पृथ्वी का आकार ये है देखो ये ठीक है जगह सीमित है भाई और आदमी ऐसा जानवर है जिसको सिर्फ जगह ही नहीं चाहिए होती है उसे हजार और तरीके के संसाधन चाहिए होते हैं तुम्हें इतने संसाधन चाहिए हैं तो तुम्हें जानवरों को मारना ही पड़ेगा कभी सीधे तरीके से कभी टेढ़े तिरछे छुपे तरीके से और यहां से बिल्कुल मैं तुमको लेकर के चलता हूं समस्या के दो मूल कारणों पर ये जो तुमने अभी देखा ना उसका मूल कारण तुम्हें बताया देता हूं छोड़ो उस व्यक्ति को जो गधा पालता था वो तो इस शतरंज में प्यादों में प्यादा है उसके प्रति मत पाल लेना एक व्यक्ति तुम कह रहे हो उसके पास दस पंद्रह गधे हैं उनके साथ अत्याचार करता है ये सब करता है होगा शायद कोई धोबी वगैरह होगा या कोई या जो गधे पर ईंट और रोड़ी और ये सब ढोने वाले काम करते हैं ऐसा काम कराता होगा अपने गधों से उस व्यक्ति के प्रति हिंसक मत हो जाना उस व्यक्ति के प्रति भीतर कटुता मत बसा लेना वो व्यक्ति तो मैं कह रहा हूँ इस शतरंज में प्यादों में प्यादा है असली अपराधी कौन है अब उसका नाम सुनो असली अपराधी हैं वो सब छोटे छोटे बच्चे जो पैदा हो रहे हैं और तुम इस बात का कभी तुख ही नहीं बिठा पाएगे तुम्हें समझ में ही नहीं आया होगा उस गधे को देख करके कि इस गधे की ये जो निर्मम अभी हालत बनाई गई है किसने बनाई है वो बनाई है हमारी संतान पैदा करने की वृत्ति ने मैंने कहा था दो अपराधी हैं पहला ये कि बच्चे होने चाहिए और दूसरा ये कि हमें संसाधनों का भोग करना है हमें एक गुड लाइफ चाहिए और गुड लाइफ का मतलब होता है और ज्यादा और ज्यादा कंजम्पशन ये बस दो ये बातें हैं इसके अलावा तुम न तो सरकारों को दोषी बना देना न उद्योगों को दोषी बना देना न किन्हीं खास कंपनियों को दोषी बना देना जानवरों की रक्षा के लिए भी जो एनजी वगैरह चल रहे हैं उनमें से तुमने एक हाथ का भी नाम भी लिया ये लोग भी जानते ही नहीं हैं कि असली समस्या क्या है अगर जानते भी हैं तो इनमें हिम्मत नहीं है असली समस्या का नाम लेने की असली समस्या है शुक्राणु और अंडाणु स्पर्म एंड द एग पृथ्वी पर नहीं है इतने संसाधन कि तुम बच्चे पैदा करे ही जा रहे हो करे ही जा रहे हो आदमी की जितनी आबादी है इस वक्त पृथ्वी पर उसकी एक चौथाई से भी कम होनी चाहिए अगर आपको सस्टेनेबली जीना है तो तो आप ये भी नहीं कह सकते कि एक आदमी एक औरत इन्होंने दो ही बच्चे पैदा करे तो आबादी तो नहीं बढ़ाई ना दो ने दो निकाले आबादी थोड़ी बढ़ी है नहीं दो अगर दो भी पैदा कर रहे हैं तो हम महाविनाश और महाक्रूरता का, का काम कर रहे हैं दो अगर एक भी पैदा कर रहा है तो भी यह कोई बहुत राहत की बात नहीं हो गई उस जीव की क्रूर हत्या करी है उन सबने वो लोग जो मेटर्निटी होम्स में पाए जाते हैं और उन सब ने जो बच्चा पैदा होने पर ताली पीट पीट करके बधाइयाँ देने पहुंच जाते हैं मिठाई खिलाओ मैं हिजड़ों की बात नहीं कर रहा मैं हम सब की बात कर रहा हूँ हिजड़े तो बाद में आते हैं पहले तो दोस्त यार नातेदार खुश हो जाते हैं ना वा, वाह 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 क्या शुभ घटना घटी है और मैं जो बोलूंगा वो बात बहुत चुभेगी बहुत लोगों को एकदम बर्छी ऐसी लगेगी लेकिन बता देता हूं इस समय पृथ्वी पर बच्चा पैदा होने से ज्यादा अशुभ काम दूसरा नहीं है मातम का काम है ये अगर एक भी और बच्चा पैदा हो रहा है पर हमारी समझ में ही नहीं आ रहा हम मूर्ख भी हैं और क्रूर भी और ये बड़ा घातक जोड़ा होता है जब मूर्खता क्रूरता से मिल जाती है और मैंने कहा कि आठ अरब लोग हैं हम हमें शायद दो अरब होना चाहिए ये दो अरब भी खा जाएंगे पृथ्वी को अगर इनमें भोगने की लालसा उतनी ही है जितनी आज है दो अरब भी बहुत हो जाएंगे हमें दो अरब सुलझे हुए लोग चाहिए पहली बात तो आठ अरब ना हो दो अरब हों और ये दो अरब भी सुलझे हुए स्त्री पुरुष होने चाहिए क्योंकि दो अरब भी हो गए उसमें से प्रत्येक व्यक्ति हर आदमी हर औरत उतना ही कंजम्पशन उपभोग कर रहा है जितना आज कोई अमेरिका में या ब्रिटेन या कनाडा में करता है तो दो अरब भी बहुत है पृथ्वी को खा जाने के लिए बर्बाद कर देंगे लेकिन न जाने हम कैसे जाहिल लोग हैं विकास विकास की बात करते रहते हैं विकास का मतलब समझते हो चीन का हो तो क्या विकास भारत को चीन बनना दुनिया का 30 प्रतिशत कार्बन एमिशन आज चीन करता है और अभी और बढ़ाता ही जा रहा है बढ़ाता ही जा रहा है और कार्बन कम करने की जितनी संधियां हैं उनसे पीछे हटता जा रहा है उसमें उसको दस्तखत करने में कोई रुचि भी नहीं है भारत बहुत पीछे नहीं है आठ प्रतिशत हमारा अब हो गया है उसमें योगदान चीन है चीन के बाद अमेरिका है मेरे ख्याल से पंद्रह बीस प्रतिशत पे और फिर भारत का ही नंबर है आठ प्रतिशत पे लेकिन मिठाई खानी है ना सबको पड़ोसी मिठाई खा रहा है मैं क्यों चूक जाऊं लोग अपनी ग्लाने मिटाने के लिए अपनी मोरल गिल्ट मिटाने के लिए मालूम है क्या करते हैं वो कहते हैं अरे हम ऐसा करेंगे हम प्लास्टिक का कंजम्पशन कम कर देंगे होगा क्या उससे तुम जो पृथ्वी के साथ अत्याचार करते हो वो 80 प्रतिशत इस बात से है कि तुमने बच्चे पैदा कर दिए बाकी सब कुछ जो तुम करते हो चाहे वो प्लास्टिक का उपभोग हो चाहे वो गाड़ी से जो तुम धुआं निकालते हो वो हो चाहे एयर कंडीशनर के कारण जो तुम इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन करते हो वो हो वो सब कुल मिला करके बीस प्रतिशत है बात समझ में आ रही है तुम जो पृथ्वी पर अत्याचार करते हो उसमें अस्सी प्रतिशत हिस्सा किसका है समझ रहे हो किसका है बच्चे पैदा करने का और बाकी बीस प्रतिशत वो सब कुछ है प्लास्टिक ना करो और क्या क्या चीजें होती हैं जो एक्टिविस्ट सिखाते हैं कि ऐसा करा करो दो बल्ब की जगह एक बल्ब जलाओ कार एफिशिएंट यूज करो और क्या क्या होता है हाँ पेड़ लगा दो पेड़ पेड़ लगा दो दो-तो पेड़ लगा दो कहीं जा करके और ये सब काम करके ना हम अपना जो मोरल गिल्ट होता है वो कम कर लेते हैं कि देखो मैं तो बहुत इन्वायरमेंटली कॉन्शियस आदमी हूं मैं क्रूर नहीं हूँ मैं तो अच्छा काम करता हूँ मैं क्या करता हूँ मैं सुबह सुबह जाकर के कुत्तों को रोटी डालता हूँ और इससे बड़ा अच्छा लगता है भीतर जो ईगो होती है ना उसमें बड़ी गर्व की भावना आती है कि देखो हम गिरे हुए आदमी नहीं है हम अच्छा काम करते हैं हम क्या करते हैं हम हम कुत्ते को रोटी डाल देते हैं हमें कोई गाय दिख गई उसके जख्म था तो हमने गौशाला वालों को फोन कर दिया वो आए उन्होंने उसके जख्म पे पट्टी कर दी और बड़ा अच्छा लगता है आदमी दो चार लोगों को बताता है अपने फेसबुक पे डाल देता है कि देखो मैं अच्छा आदमी हूँ और इस अच्छे आदमी ने तीन बच्चे पैदा कर रखे हैं अस्सी प्रतिशत मैं फिर बोल रहा हूँ अच्छे समझ लो अस्सी प्रतिशत जो हम पृथ्वी पर प्रकृति पर पशुओं पर पर्यावरण पर, पर क्रूरता कर रहे हैं वो अस्सी प्रतिशत क्रूरता कहाँ से आ रही है ये तुमने बच्चा पैदा कर दिया वहां से आ रही है और ये मैं कोई कल्पना करके नहीं बोल रहा हूं रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़ लो वो 80 प्रतिशत क्रूरता करने के बाद बाकी जो तुम 20 प्रतिशत करते हो उस दो चार प्रतिशत घटा भी दिया तो तुम्हारा गुनाह कौन सा कम हो गया यार लेकिन पढ़े लिखे तबकों में ये खूब प्रचलन है क्या कि वो 80 प्रतिशत तो पूरा तबाह करके रखो बाकी 20 प्रतिशत में दो चार प्रतिशत की कमी ला करके बोलो कि मैं एक एन्वायरमेंटली कॉन्शियस सिटीजन हूं ये चल क्या रहा है तुम्हें उस पूरे तंत्र को उस पूरी व्यवस्था को समझना पड़ेगा जिसकी वजह से आज वो घटना घटी है ये वो घटना किसी एक व्यक्ति इंडिविजुअल की व्यक्तिगत क्रूरता का परिणाम नहीं है वो घटना एक पूरे तंत्र एक पूरी व्यवस्था से निकल रही है वो एक सिस्टम का बल्कि एक सिविलाइजेशन का नतीजा है तुम हटाओ बाकी जितने तुम तरीके चला रहे हो पृथ्वी को बचाने के बस एक काम कर दो बच्चे मत पैदा करो सब ठीक हो जाएगा बाकी किसी काम की कोई ज़रूरत ही नहीं है ये तुम्हारा क्यूटो प्रोटोकॉल और ये और वो और पेरिस की संधि किसी संधि की कोई ज़रूरत नहीं है बस जवान लोग एक बात समझ लें बच्चे नहीं चाहिए और जो बहुत कुल बुलाते हो कि हमारे गर्भ से तो एक आध तो निकलना ही चाहिए तो एक पैदा कर लो यार या तो एक भी नहीं या बहुत अगर मन उछल रहा हो तो एक इतना कर लो फिर देखो कि दस बीस साल के अंदर सारी तस्वीर बदल जाती है नहीं लेकिन दो बातें बोली ना मैंने दो अपराधी हैं पहला बच्चे पैदा करने की वृत्ति और दूसरी भोग वृत्ति ये दोनों एक साथ चलती हैं तुम देख लेना जो जितना भोगी होगा उसको उतना ज्यादा खुजली होगी बच्चे पैदा करने की जैसे आदमी कहता है ना खरीद खरीद के घर में फर्नीचर भरना है तभी तो घर भरा भरा लगेगा ठीक वैसे ही बोलता है कि पैदा कर करके घर में बच्चे लाने तभी तो घर भरा भरा लगेगा ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं घर भरना है ना घर भरने के लिए दो चीज चाहिए गाड़ी चाहिए फर्नीचर चाहिए और बच्चे चाहिए तो ये साथ साथ चल रहा है और इसको साथ साथ क्या चीज आगे बढ़ा रही है एक जीवन दर्शन जो हमें पढ़ा दिया गया है जो कहता है सुख करो मजे मारो जीवन किस लिए है सुख करने के लिए मजे मारने के लिए यह है आज हर इंसान का जिंदगी से यही उम्मीद है अपेक्षा है हम सबकी जिंदगी से यही मांगे क्या सुख 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 अब बच्चा जब पैदा होता है घर में तो सुख तो लगता ही है क्योंकि सिखा दिया गया है हर जानवर बच्चा पैदा करने में सुख मानता है और जब तुम्हारी ज़िंदगी में कोई विजडम नहीं बोध नहीं अध्यात्म नहीं रियलाइजेशन नहीं अंडरस्टैंडिंग नहीं तो तुम फिर जानवर समान ही हो और जानवर को तो हर समय लगा ही रहता है कि और बच्चे पैदा करूं और बच्चे पैदा करूं सुख है इसमें तो आदमी फिर लगा रहता है और पैदा करो और पैदा करो मैंने कहा था एक बच्चा जो पैदा होता है वो अपने पैदा होने के साथ ही लाखों करोड़ों जानवरों की मौत लेकर के आता है और न जाने कितनी प्रजातियों का एक्सटिंक्शन लेकर के आता है क्योंकि वो जो पैदा हुआ है वो माँ के गर्भ से हवा तो लेकर नहीं आया खाना भी लेकर के नहीं आया अपने रहने और बसने के लिए ज़मीन भी लेकर के नहीं आया अपने चलने के लिए गाड़ी भी लेकर के नहीं आया माँ ने तो खट से वो बच्चा पैदा कर दिया है वो रहेगा कहां वो खाएगा क्या उसको चलने के लिए अब सड़क भी चाहिए होगी ना सड़क भी बनानी पड़ेगी कहां से आएगी वो सड़क वो सड़क आती है फिर जंगल काट करके और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि जब तुम जंगल काट रहे हो तो अनजाने में ही तुमने कितनी प्रजातियों को विलुप्त कर दिया क्योंकि अब उनके रहने को घर नहीं हैबिटेट गया उनका तुम्हें तो पता भी नहीं तुम्हारे मन पर कोई ग्लानी कोई गिल्ट भी नहीं आएगी तुम्हें लगेगा मैं तो ठीक ही हूँ मैंने क्या किया मैंने अभी एक फोर बी एच के खरीद लिया है तुमने तो अपनी तरफ से बस एक मकान खरीद लिया है तुम्हें पता भी नहीं, नहीं कि वो जो तुम्हारा मकान है तुमसे पहले वो किसी और का मकान था और जिनका मकान था वो तुम्हारा मकान होने से पहले वो अब रहे ही नहीं तुम्हारा मकान करोड़ों लाशों पर खड़ा हुआ है तुम और कोई सात्विकता मत दिखाओ तुम भैया कोई रिस्ट्रेंट मत दिखाओ तुम किसी तरह का कोई त्याग मत करो तुम बस बच्चा न पैदा करो बात बन जाएगी और अगर तुम इतना कर सकते हो कि बच्चा भी नहीं पैदा कर रहे और कंजम्पशन भी कर रहे भी कम कर रहे हो तब तो सोने पे सुहागा वैसे अगर तुम हो जाओ समझ लो कि पूरी पृथ्वी तुमको आशीर्वाद देगी कैसा आदमी चाहिए आज जो बच्चे ना पैदा करे हुँ? और साथ ही साथ कंजम्पशन भी कम से कम करे चलो तुम अगर ऐसे नहीं हो पाते तो ऐसे हो जाओ कि चलो कंजम्पशन हम करते हैं मन रोका नहीं जाता लेकिन बच्चे नहीं पैदा करेंगे अगर वैसे भी नहीं हो पा रहे तो ऐसे हो जाओ कि चलो मैं बच्चा पैदा करूंगा तो पर सिर्फ एक पर इन तीनों कोटियों के अलावा अगर तुम चौथी कोटी में आ गए महापापी हो महा हो फिर कह रहा हूं वो जो गधा है ना उसकी लाश को ले आकर रख देना चाहिए मेटर्निटी होम्स के सामने उनको बोलना चाहिए यहां जीवन नहीं मौत पैदा होती है जो जगह है मेटर्निटी होम यहां जीवन नहीं पैदा होता यहां से मौत पैदा होती है लेकिन ऐसे ऐसे नालायक हैं अभी ये वीडियो प्रकाशित होगा जानते हो पहला कमेंट क्या आएगा आचार्य जी अगर आपके माँ बाप ने भी ऐसा ही सोचा होता तो आज आप नहीं होते ना अरे मैं नहीं होता तो बहुत अच्छी बात होती ना मुझे कौन सा बड़ा आनंद मिल रहा है होकर के नहीं होते बहुत अच्छा होता और मैं नहीं होता तुम नहीं होते तो चार गुना अच्छा होता अगर मेरे ना होने से वो सब लोग भी मिट जाएं जो मेरे आसपास हैं तो मैं अभी कहूंगा कि मुझे मिटा दो मेरे एक भैया ने भी ऐसे ही बोला था मैं जब आपके बारे में उनको बताया ना तो मेरे भैया ने भी वैसे बोला क्या तर्क दिया है जी, उनके पिता माँ बाप ने उनको पैदा नहीं किया होता तो वो आज यहाँ पे बोल रहे होते कैसे ऐसे नहीं बोल रहे होते तो मेरे को बहुत गुस्सा आया मैं तो नहीं गुस्सा नहीं है ये तो स्टैंड अप कॉमेडी की बात है जो उन्होंने करी है दाँत देनी चाहिए और पाँच करोड़ नोट दे देना चाहिए मैं हर दूसरे तीसरे दिन चैनल पर एक वीडियो प्रकाशित कराता हूं बिना नागा के मांसाहार से संबंधित हम्म और सबसे कम एंगेजमेंट उसी वीडियो पर रहता है लड़का लड़की प्यार सेक्स ऐसा शीर्षक का कोई वीडियो हो उसके एक लाख दो लाख हम्म व्यूज होंगे देखने वाले आ हा हा क्या बात है आचार्य जी शाबाश और मांसाहार पे अभी कोई आ जाएगा उसको देखना ही नहीं चाहते रे नहीं ये तो आचार्य जी की सनक है इस बारे में बोलते रहते हैं इसको नहीं देखेंगे इसको नहीं देखेंगे ग्यारह लाख सब्सक्राइबर हो रहे हैं जानवरों से संबंधित कोई वीडियो प्रकाशित होता है उस पर दस हजार व्यूज आना मुश्किल हो जाता है जहां वो शीर्षक देखते हैं तहां दूर से ही कट लेते हैं अरे नहीं ये तो छी 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 अच्छे से एक बात समझ लो जीवन जब शुरू हुआ था ना पृथ्वी पर तब जो स्थितियां थी जीवन की शुरुआत करने के लिए अनुकूल हा? वो स्थितियां आज भी हैं ऐसा नहीं है कि जीवन की शुरुआत के लिए सही स्थितियां अनुकूल कंड्यूसिव स्थितियां सिर्फ कुछ मिलियन या बिलियन वर्ष पहले थी वो आज भी हैं मतलब समझ रहे हो इसका मतलब ये है कि सब मिट जाएंगे ना तो भी प्रकृति दोबारा जीवन शुरू कर लेगी और हम जिस राह चल रहे हैं उस राह पे हम सब मिट जाएंगे प्रकृति का कुछ नहीं बिगड़ेगा वो दोबारा जीवन शुरू कर लेगी समय तो उसके हाथ का मैल है ना प्रकृति के पास कितना समय होता है अनंत बोलो कितना समय चाहिए प्रकृति के पास समय की कमी नहीं वो दोबारा जीवन शुरू कर लेगी कुछ लाख वर्ष बाद फिर से जीव जंतु नजर आने लगेंगे इंसान नहीं बचने वाला हम नहीं बचने वाले हम सोच रहे हैं कि हम बड़े स्मार्ट हैं बड़े होशियार हैं हम नहीं बचेंगे हम सोच रहे हैं प्रकृति को बचाना है बेचारी प्रकृति प्रकृति बेचारी नहीं है पृथ्वी भी बेचारी नहीं है बेवकूफ हम बन रहे हैं पत्ता हम अपना काट रहे हैं और हमें नहीं बात समझ में आ रही और फिर मानवता मैनकाइंड मिटे किसी ऊंचे उद्देश्य के लिए तो एक बात है एक आदमी है जो किसी ऊंचे उद्देश्य के लिए जान दे देता है शहीद कहलाता है और दूसरा आदमी होता है जो चोरी करके भाग रहा होता है और पीछे से पुलिस की गोली खाकर पीठ पे मरता है मौत और मौत में अंतर होता है ना हाँ तो हमारी जो है ना वो चोर वाली मौत होने वाली है मैं किसकी बात कर रहा हूं इंसानों की प्रकृति हमें तड़पा तड़पा के मारेगी और उसने ट्रेलर दिखाना शुरू कर दिया है जो अगला वायरस आएगा मुझे ये बता दो कि उसमें मृत्यु दर एक प्रतिशत की जगह अगर चालीस प्रतिशत की हो तो तुम क्या कर लोगे ये वाला जो कोरोना वायरस है इसमें तो यह है कि जिनको लगता है उसमें से बस एक प्रतिशत या आधे प्रतिशत की मृत्यु होती है ये एक और आधे की जगह अगर ये दर चालीस प्रतिशत की हो तो तुम क्या कर लोगे तुम जाओगे किसी कोर्ट में दरखास्त करने तुम प्रकृति के विरुद्ध फरियाद करने जाओगे क्या कि यह तो ठीक नहीं है ना ऐसे थोड़ा ही होता है चालीस प्रतिशत की मृत्यु दर इसी तरीके से ये जो वायरस है ये इन्फेक्शियस है संक्रामक है लेकिन फिर भी इतना है भाई कि हमें पता है कि अगर तीन चार फीट की दूरी हो गई तो संक्रमण नहीं पहुंचता है आ जाए कल को कोई वायरस जिसमें है कि यहाँ से किसी ने छींका नहीं कि वो वायरस उड़ता ही रहेगा उड़ता ही रहेगा पूरे शहर में पहुँच जाएगा क्या कर लोगे तुम इसी बात को हुँ? जब फोक तरीके से कहा जाता है हु? जब जनश्रुति वाले तरीके से कहा जाता है तो कह दिया जाता है कि जाका गला तुम काटे हो सो कल काट तुम्हार ये जितनों के साथ तुम अत्याचार कर रहे हो एक एक की आह इकट्ठा हो रही है और तुम्हें लग रही है रोज रोज ये जो इंसान आज इतनी विक्षिप्तता में है इतने जो जबरदस्त मेंटल डिसऑर्डर्स हैं ये कहां से आ रहे हैं इससे बड़ा पाप इस समय हम कोई दूसरा नहीं कर रहे हैं जो हम प्रकृति पर्यावरण पशुओं के साथ कर रहे हैं इससे बड़ा कोई दूसरा पाप नहीं है और उस पाप में सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं ये पेरेंट्स और वाना भी पेरेंट्स मेरा घोंसला हो उसमें मेरे अंडे हों उसमें से मेरे चूजे निकले मृत्यु का भय खत्म हो गया है शायद अजी कहा मृत्यु का भय खत्म हो गया कोई मृत्यु का भय खत्म नहीं हो गया है मृत्यु का भय ही इंसान को चला रहा है तुम्हें क्या लग रहा है हमें सत्य का प्रेम चला रहा है हमें चलाने वाले हम मोटिव्स ऊर्जाएं दो ही होती हैं या तो सच के प्रति इतना प्यार है कि तुम उसकी ओर खिंचे चले जा रहे हो उसकी ओर या पीछे डर लगा हुआ है और उससे इतने डरे हुए हो कि डर से दूर भागे जा रहे हो जैसे पीछे पागल कुत्ता लगा हो। इंसान इन दो वजहों के अलावा किसी तीसरी वजह से गति नहीं करता है या तो सामने वो है जिससे प्यार है तो आदमी उसकी ओर बढ़ा चला जा रहा है या पीछे पागल कुत्ता लगा हुआ है तो आदमी भागा चला जा रहा है प्यार तो आज के समय में किसको है किससे है जिसके जीवन में सत्य नहीं ध्यान नहीं भक्ति नहीं भजन नहीं वो प्रेम क्या जाने तो प्रेम से तो कोई चल नहीं रहा है सब चल किससे रहे हैं डर से ही चल रहे हैं आचार्य जी यू सेट गेट लेस नंबर ऑफ व्यूज ऑन ऑन Um, the videos which where you were uh, you speaking about meat eating, uh, I feel probably because uh, you know me being one of your sub subscribers, uh, it's not relevant to me because you know I, I as it is don't eat meat. So probably if you're looking inside the universe, then uh, I believe whatever views you're getting might be outside. The नहीं, ऐसा नहीं है ना क्योंकि जो लोग नहीं खाते मांस वो फिर उन वीडियोस को देखेंगे और शेयर करेंगे होना तो ये चाहिए था ना कि अगर आप मांस नहीं खाते हो तो कुछ सोच समझ के ही नहीं खाते तो मांसाहार के विरुद्ध अगर फिर कोई वीडियो आया है तो फिर आप क्या करते उसको आप तो उसको और ज्यादा देखते और शेयर करते और लोगों में ना दूसरी बात हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बल्कि ये कह लीजिए कि इंटरनेट की ही जो पूरी ऑडियंस है भारत में वो अधिकांशता युवा है ठीक है और युवाओं में तो सत्तर अस्सी प्रतिशत ऐसे हैं जो मांस खाते ही खाते हैं तो हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स में भी सत्तर अस्सी प्रतिशत तो मांस खाने वाले ही हैं तो आप जिस वर्ग की बात कर रहे हैं कि जो पहले ही शाकाहारी है या वीगन है वो वर्ग तो वैसे ही बहुत छोटा है ज्यादातर तो प्रोपगेंडा पब्लिसिटी के कारण पिछले 20 सालों में भारत में मांस खाने वालों का जो अनुपात है वो ड्योढ़ा हो गया है 50 प्रतिशत बढ़ गया है कि एक पूरी कम्युनिटी ऐसी है Uh, आप किसी को क्रुएल्टी दिखा के कन्विंस कर सकते हैं या उसको लॉजिक दे के हेल्थ रीजन दे के उसको समझा सकते हैं कि दिस इज़ नॉट द राइट थिंग बट वॉट इज़ अलार्मिंग इज दर इज़ अ होल कम्यूनिटी आउट देयर विच इज़ ग्रोइंग एट अ वेरी यू नो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा स्पीड से जो बढ़ रही है उसमें बिल्कुल बचपन में बचपन एक छोटे बच्चे को ही यू नो द एक्सप्लेन हाउ टू डू दिस एक्ट and uh, this is something that you can't explain them logically you can't give them uh, you know cruelty or non cruelty lessons to them and uh, they are not going to stop for it तो वहां पे फिर इकोनॉमिक और लीगल रूट चाहिए होगा भाई आप जो कर रहे हैं करें आपको कंपैशन समझ में नहीं आता आपको लॉजिक भी समझ में नहीं आता ना तो आपको कंपैशन समझ में आता है ना आपको लॉजिक समझ में आता है यहाँ तक कि आप अपनी व्यक्तिगत सेहत के प्रति भी बिल्कुल उदासीन हो गए हैं आपको वो तर्क भी समझ में नहीं आता तो फिर तो यही है कि आप जो खा रहे हो कम से कम उसकी पूरी कीमत तो अदा करो आप जो खा रहे हो वो आपको छः सौ किलो नहीं मिलना चाहिए वो आपको छः हज़ार किलो मिलना चाहिए क्योंकि वास्तव में वो जो आपके सामने आया है उसकी कुल कीमत देखी जाए कहा था ना एक्सटर्नैलिटीज़ के साथ टोटल एनवायरमेंटल करंट एंड फ्यूचर कॉस्ट के साथ तो वो आपको छः सौ रुपये किलो मिल ही नहीं सकता वो तो छः हजार रुपये किलो होना चाहिए लो आप खाओ तुम्हें तो और कोई तर्क नहीं समझ में आता तो नोट का तर्क तो समझ में आएगा ना रुपये का तर्क तो समझ में आएगा फिर वहाँ वो तर्क चलना चाहिए वो तर्क लगाना पड़ेगा बात इसकी नहीं है कि हम कोई बड़ा आंदोलन या अभियान चला देंगे जिसकी वजह से सरकारें विवश हो जाएंगी सारी चेतना क्या है प्रकृति तो है तो प्रकृति के पास भी अपनी चेतना है होंगे हुं? आप बहुत बड़े सुपर पावर या कुछ भी <laughs> रिक्टर स्केल पे नौ का भूकंप आ जाएगा झेल थोड़ी लोगे होंगे आप कुछ भी होंगे तो प्रकृति को कितना समय लगना है ये जो कण है मनुष्य नाम इसको बिल्कुल विलुप्त कर देने में कितना समय लगना है आप सोचो तो सही दुनिया में अरबों प्रजातियां हैं चेतना की चैतन्य सेंटिएंट जीवों की दुनिया में कितनी प्रजातियां हैं ठीक है उसमें बड़े से बड़े पशु हैं हाथी हैं गैंडे हैं वेल हैं जलचर हैं भूचर हैं नवचर सब हैं और इतने सारे पेड़ हैं, पौधे हैं छोटी छोटी जीवों की कीट पतंगों की और में जाने कितनी प्रजातियां हैं हैं? ये जो वायरस आया है उससे सिर्फ कौन प्रभावित हो रहा है आपको ये बात थोड़ा चौंका नहीं रही ये तो सर्जिकल स्ट्राइक है सर्जिकल स्ट्राइक समझते हो कि पूरे शरीर के किसी और हिस्से को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए सिर्फ जहां किडनी का पत्थर है वहां पर लेजर बीम जाएगी और उस पत्थर को तोड़ देगी जला देगी तो प्रकृति ने यह मनुष्य पर सर्जिकल स्ट्राइक करी है कि किसी और पर इस वायरस का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा सिर्फ ये जो नालायक है इसको तबाह कर दो गधा घोड़ा कुत्ता चील मछली पेड़ पौधे किसी पर यह वायरस कोई असर कर रहा है सोचिए तो सिर्फ इंसान पर ही कर रहा है प्रकृति के पास भी अपनी चेतना है और वो ऐसे तरीक़ों से काम करती है जिनको हम नहीं समझ सकते